दोस्तों, अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज का क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं। शहनाज कुरैशी कहते हैं, लौकी तोरी करेला के सीड्स इस टाइम पे लगा सकते हैं या फरवरी में लगाएं? देखिए, अगर आप उसको ओपनली लगाते हैं तो उसको आप फरवरी में लगाएं, अगर आप उसको कवर करके ग्रो करना चाहते हैं तो अभी लगा सकते हैं। सृष्टि जी कहते हैं, क्या नीम खली की जगह पे हम जो नीम की पत्ती है वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ जी, जो नीम की पत्ती है वो आप लें, लेकिन उसको अगर ड्राई करके उसका चूरा बना लें, अगर वो डीकम्पोस्ट है तो और भी अच्छा है। प्रियांशु कहते हैं, भाई मैंने अक्टूबर में जो आलू की पौध लगाई थी जो कि अब येलो होने लग रहे हैं और कुछ गलने लग रहे हैं। देखिए, हो सकते हैं आपके जो आलू है वो पक गए हों, तो आप एक प्लांट को चेक कीजिए, उसके अंदर जो आलू है वो बन गए हैं तो आप उनको हार्वेस्ट कर सकते हैं, या मुझे प्लांटों की फोटो दिखा दीजिए। साकेत जी कहते हैं, मैरीगोल्ड को अगर फरवरी में हम सीडलिंग करते हैं तो क्या वो ग्रो करेगा और फ्लोरिंग देगा? हाँ जी, अगर आप गर्मियों के जो सीड्स हैं वो लगाएंगे तो वो गर्मियों में फ्लोरिंग करेंगे। देसी टेक कहते हैं, आप इस टाइम पे कौन सी वेजिटेबल लगा सकते हैं? देखिए, इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो चेक कर लीजिएगा। मीरा जी कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कितना डालें? अगर आप गोबर खाद नहीं डाल रहे हैं तो गोबर खाद की जगह पे जो वर्मी कंपोस्ट है वो यूज कर सकते हैं। एक पार्ट वर्मी कंपोस्ट और दो पार्ट आप सोयल का यूज कर सकते हैं। केले की जो खाद है वो आप गुलाब के अंदर 15 से 20 दिन के अंतराल में दे सकते हैं। राकेश ने कहते हैं, विजय जी मेरे पास दो नींबू है और दोनों सूख रहे हैं, क्या करूं? देखिए, पौधे सूख रहे हैं, उसके लीव्स गिर रहे हैं, क्योंकि लीव्स गिर सकते हैं इस सीजन में। अगर पौधे सूख रहे हैं तो आप मुझे उसकी फोटो दिखा दीजिए, क्योंकि नींबू के प्लांट जो है वो कुछ डाईबैक की प्रॉब्लम भी करता है इस टाइम पे, तो हो सकता है कुछ ब्रांच उसकी डाईबैक हो रही हो। प्लांट के अंदर चेक कीजिए दीमक या उसकी जो रूट्स है उसमें प्रॉब्लम ना हो, उसी की वजह से जो उसकी जो ब्रांच है वो सूख रही होगी। रजनी जी कहते हैं, क्या ये सारी चीज़ें एक साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं? हाँ जी, जो मैंने आपको गुलाब वाले वीडियो के अंदर बताया वो सभी चीज़ें आप एक साथ भी यूज कर सकते हैं, सोइल में मिक्स कर सकते हैं। त्रिवेदी जी कहते हैं, अडेनियम प्लांट फरवरी में लगा सकते हैं क्या? हाँ जी, आप लगा सकते हैं। पुष्पलता कहते हैं, चींटियों के लिए होममेड रेमेडी बताइए। देखिए, चींटियों के लिए आप जो हल्दी पाउडर है वो ऐड कर सकते हैं। मयूरेश कहते हैं, पोटिंग मिक्स में पहले से ही फर्टिलाइजर है तो दोबारा उसको फर्टिलाइज कब करना है? पोट करने के बाद एक महीने तक उसके अंदर कोई भी फर्टिलाइजर ऐड मत कीजिए, उसके बाद आप उसमें ऐड कर सकते हैं 15 से 20 दिन के अंतराल में। पुष्पा जी कहते हैं, विजय जी नीम की ड्राई लीव्स को ग्राइंड करके सोइल में ऐड कर सकते हैं क्या? हाँ जी, आप कर सकते हैं। शर्मिला जी कहते हैं, जो जेड प्लांट है उसमें पानी कितना देना है? देखिए, जो जेड प्लांट है उसको पानी कम पसंद है, वो एक सकुलेंट प्लांट है, तो उसको आप कम से कम वाटरिंग कीजिए। जैसे आप सर्दी का सीजन है तो सर्दी के सीजन में जब तक आपको सोइल उसका मोस्टली ड्राई ना लगे तब तक वाटरिंग मत कीजिएगा। सायरा जी कहते हैं, अनार कब लगाएं? देखिए, अनार आप फरवरी में लगा सकते हैं, बारिश के सीजन में लगा सकते हैं। सैयद जी कहते हैं, सर नींबू के प्लांट में पानी ज़्यादा देना या कम? देखिए, जब फ्लोवरिंग हो उस टाइम पे आप कम पानी दीजिए, और जब फ्लोवरिंग ना हो उस टाइम पे आप पानी इतना दीजिए कि उसमें नमी जो है वो बनी रहे, क्योंकि नींबू के अंदर जो फाइबर रूट्स है वो काफ़ी होती है। प्रियांशु कहते हैं, भाई मैं जुलाई में गुलाब का पौधा लेकर आया था जो 50% ड्राई हो चुका है। देखिए, आप मुझे प्लांट की फोटो दिखाइए। वैसे मैंने गुलाब के ऊपर काफ़ी वीडियो डाल दिए हैं, कल भी मैंने एक गुलाब का वीडियो डाला है, वो आप चेक कर लीजिए, आपको शायद आपकी क्वेरी उसी में सॉल्व हो जाए। फ्लाइंग गर्ल्स कहते हैं, एडेनियम के सीड्स कब ग्रो करें? देखिए, नेक्स्ट मंथ से आप जो एडेनियम के सीड्स है वो जर्मिनेट कर सकते हैं। कोमल शर्मा जी कहते हैं, पोट का कलर कैसे चेंज हो गया? इन्होंने हमने जो टिंडे ग्रो किए थे उसके ऊपर कहे। देखिए, जो टिंडे के सीड हमने लगाए थे उसको एक्चुअली मैंने टिंडे के सीड्स को धूप में रखा था पोट को, तो पोट का जो कलर है वो धूप की वजह से फेड हो गया था। अरुण जी कहते हैं, मैंने ऑनलाइन जो गुलाब का पौधा मंगाया है उसको मैं धूप में रखूँ क्या? देखिए, अभी अगर वो बाई कोरियर आया है तो उसको सीधा डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें, अभी आप उसको जो शेमी शेड है वहाँ पे रख लें, दो दिन के बाद आप उसको सनलाइट में ले जा सकते हैं। राकेश सैनी कहते हैं, विजय जी मेरे पास दो बेलपत्र के पौधे हैं जो मैंने बीच से ग्रो किए थे, 12 महीने से वो ग्रोथ नहीं कर रहे। देखिए, आप उसको फर्टिलाइज कीजिए तभी वो ग्रो कर पाएगा, हो सकता है आपकी जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ हो और जो बेलपत्र है वो बहुत ही स्लो ग्रोथ करते हैं। कुलविंदर जी कहते हैं, डेलिया के प्लांट में उबाली हुई चाय डाल सकते हैं क्या? देखिए, मैं कभी भी जो चाय पत्ती है वो यूज़ नहीं करता अपने प्लांटों में। अगर आप करना चाहें तो चाय पत्ती को अच्छे से पहले धो ले पानी से, अदरवाइज उसमें चींटियां लग जाएगी। चहल जी कहते हैं, भैया मैंने मेरा मनी प्लांट छत पे रखा हुआ है, क्या वो सूख जाएगा? हाँ जी, मनी प्लांट को आप इंडोर रखिए, अगर वो तेज़ सनलाइट में होगा तो वो जल जाएंगे उसकी पत्तियां और वो ख़राब हो जाएगा। सरनजीत कौर कहते हैं, सर क्या एप्सम सॉल्ट हम सब्जी या फ्रूट्स के प्लांट में भी डाल सकते हैं क्या? हाँ जी, आप डाल सकते हैं। एप्सम सॉल्ट के कितने दिन बाद हम सरसों की खल डाल सकते हैं? देखिए, एप्सम सॉल्ट अलग चीज़ है, अगर आप देना चाहें तो तब उसी टाइम पे भी दे सकते हैं, या फिर आप 15-15 दिन का गैप दे सकते हैं। हरविंदर कौर कहते हैं, सर यूरिया और एनपीके एक ही होता है क्या? मेरे पास बनाना का जो जड़ है वो है और वो ग्रो नहीं कर रहा।
देखिए जो यूरिया वो अलग है, जो एनपीके वो अलग है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, जो एनपीके होता है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास तीनों चीजें होती है। और आपका अगर प्लांट ग्रो नहीं कर रहा तो आप उसके अंदर जो हाई पोटास फर्टिलाइजर है वो आप ऐड कर सकते हैं, या जो बनाना पील फर्टिलाइजर है वो आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मिस्टर एक्स कहते हैं, भाई जी मेरे गेंदे जो है वो सूख जाते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? मैंने काफ़ी बार ट्राई किया है। देखिए गेंदे के अंदर एक तो आप उस प्लांट को धूप में रखिए, अगर आप धूप में नहीं रखते, उसको इंडोर रखते हैं और उसमें पानी ज़्यादा देंगे तो उसकी जो रूट्स है वो सड़ जाएगी। और आप उसको जब रिपोर्ट करते हैं उस टाइम पे भी आप ध्यान रखें कि प्लांट की जो रूट्स है वो ज़्यादा डैमेज ना करें, और इवनिंग के टाइम पे करें। मोहम्मद हसन कहते हैं, सर मैंने मेलाथियन पेस्टिसाइड कहाँ से लूँ, देखिए आप अपने नज़दीक की बीज की दुकान पे आप पता कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। पुष्पलता कहते हैं, सर मेरे गमले में बैंगन का प्लांट है और उसमें जो लाल चींटियाँ हैं वो आ गई है, कोई होम रेमेडी बताइए। देखिए जो हल्दी पाउडर है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यूनिकार्डन कहते हैं, मेरे टोमेटो के जो फ्लोर है वो येलो होकर गिर रहे हैं, क्या करें? देखिए हो सकता है उस पर कोई इंसेक्ट हो, या फिर आप उसके अंदर जो वाटरिंग है वो कर रहे हैं, फ्लोरिंग टाइम पे वाटरिंग कम कीजिए। सहल जी कहते हैं, भैया मैंने भी राजमा ट्राई किया था लेकिन वो एक बार भी नहीं ग्रो हुआ, क्या कारण हो सकते हैं? देखिए एक तो आपने गलत टाइम पे क्या हुआ, जो राजमा अगर आपने गर्मियों में ट्राई किया होगा तो ऐसा नहीं हो, तब उसने नहीं किया तो उसने नहीं किया होगा। आप जब बारिश का सीजन आए उसके बाद जो राजमा है वो ग्रो कीजिए। फैज जी कहते हैं, रूटिंग हार्मोन के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? देखिए रूटिंग हार्मोन के लिए आप जो शहद है वो यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी पाउडर जो होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तरुण जी कहते हैं, मेरे डहलिया पर एक बार फ्लोवर आया, उसके बाद फ्लोवर नहीं आया। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि आप उसकी जो डेड हेडिंग है वो कर दीजिए। सादी खान कहते हैं, ये बताइए कौन से मंथ में लगाया जाता है? इन्होंने जो बर्ड ग्राफ्टिंग हमने की थी उस पे, देखिए जो बर्ड ग्राफ्टिंग है वो आप फरवरी के मंथ में कर सकते हैं, यानी कि अगले मंथ में। चहल जी कहते हैं, मैंने अपने जो मोरपंखी प्लांट है उससे जो सीड्स है वो कलेक्ट किए हैं तो उनको कब ग्रो करूं? देखिए आप उनको नेक्स्ट मंथ ग्रो कर सकते हैं, फरवरी के अंदर वो ग्रो हो जाएंगे। चहल जी कहते हैं, भैया मेरे अगर ये विंटर का फ्लोर है तो मेरे प्लांट क्यों सूख गए? छोटा सा ही प्लांट था और वो ग्रो भी नहीं हुआ ज़्यादा, वैसे मैंने उसके सीड्स क्रैक कर लिए। देखिए इसकी एक वैरायटी आती है जो गर्मियों में ग्रो होते हैं, तो वो गर्मियों वाले अगर आपके पास होंगे तो ऐसा हो सकता है, या कुछ और कारण हो सकते हैं। चहल जी कहते हैं, क्या जीरा भी ग्रो हो सकता है? सौंफ मैंने लगाई है, हाँ जी जीरा भी ग्रो हो सकता है, मैंने लास्ट टाइम लगाया था जीरा तो ग्रो हो गया था। खाली जी कहते हैं, इस पौधे में कौन सी खाद दे? इन्होंने जो गुलदावरी है उसके लिए कहा है। देखिए गुलदावरी जब आप प्लांट करें उसी टाइम पे उसके अंदर गोबरी खाद डाल दे, फ्लोरिंग प्लांट के लिए सबसे बेस्ट गोबरी खाद है। पायल जी कहते हैं, यदि गुलाब के पौधे में फूल ना आए जबकि उसमें खाद डाल रहे हैं। देखिए ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपका प्लांट हो सकता है ग्राफ्टेड ना हो, जंगली प्लांट हो, तो उसको आपको ग्राफ्ट करना पड़ेगा। बलकार सिंह जी कहते हैं, मेरा सवाल ये कि एक ही प्लांट में क्या हम दो तीन कलर के फ्लोर लगा सकते हैं ग्राफ्टिंग करके, बर्ड ग्राफ्टिंग से? हाँ जी, आप अगर उस पर अलग अलग कलर के बर्ड ग्राफ्ट करेंगे एक प्लांट पे तो उस पर अलग अलग कलर के जो फ्लोर है वो आ जाएंगे। अगर आपको ये मेथड देखना है कि ग्राफ्टिंग कैसे करनी है तो इसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो आप चेक कर लीजिएगा। आज तक कहते हैं, भैया गुआवा पे एयर लेयरिंग हो सकती है क्या? हाँ जी गुआवा पे एयर लेयरिंग हो सकती है, बारिश के सीजन में कर दीजिएगा, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दीप नारायण जी कहते हैं, सर हाइब्रिड साइज के मैरीगोल्ड कैसे कलेक्ट करें और जनरेट भी, इस पर एक वीडियो बनाइए। देखिए जो हाइब्रिड होते हैं उसके लिए आपको हाइब्रिड प्लांट से ही उनको कलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हो सकते हैं आपके वहाँ पे अगर छोटे फ्लोर भी होंगे तो हो सकते हैं पोलिनेशन की वजह से उनका जो साइज है वो कम हो जाए, या हो सकता है अच्छा हो जाए, तो आप हाइब्रिड जो फूल आते हैं उनको आप तोड़ लीजिए और उनके सीड से ग्रो कीजिए तो आपके जो फ्लोर है वो अच्छे ही आएंगे। महफूज जी कहते हैं, हाउ टू ग्रो माल्टा? देखिए माल्टा के सीड्स ले आइए और जैसे हमने नींबू के ग्रो किए थे वैसे आप उसको ग्रो कर सकते हैं। नजन से कहते हैं, सर मैंने जो चीकू प्लांट है वो लगाया लेकिन वो ग्रो नहीं कर रहा, मैं क्या करूँ? देखिए नेक्स्ट मंथ से आप उसके अंदर जो एनपीके फर्टिलाइजर है वो डालना शुरू कर दीजिए, 15-20 दिन के अंतराल में आप डाल सकते हैं। और ये कहते हैं कि इन्होंने जो नीम की एक है वो अपने मैंगो के प्लांट में डाला था जिससे उसके पत्ते जो है खराब हो गए। देखिए इसका कारण कुछ और होगा, आप मुझे प्लांट की फोटो दिखा दीजिएगा। सुमन जी कहते हैं, सीड्स नहीं मिल रहे समर फ्लोवर के, क्या? देखिए सीड्स आप ऑनलाइन बाई कर सकते हैं, आप अपने नजदीक किसी बीज की दुकान पर पता कर सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। शमी खान कहते हैं, सर कंपोस्ट क्या होता है, कहाँ से मिलता है? देखिए कंपोस्ट एक खाद ही होती है, जैसे कि पत्तियों की खाद को कंपोस्ट बोल देते हैं और जो केंचुआ खाद है उसको वर्मी कंपोस्ट बोल देते हैं, तो ये एक सब खाद ही होती है जिनको हम कंपोस्ट बोल देते हैं अलग अलग तरह की। महेंद्र जी कहते हैं, कटिंग जनवरी फरवरी में लगा सकते हैं क्या?
हाँ जी, आप कटिंग जो है वो आप फरवरी में लगा सकते हैं, अगर आप अब लगाना चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आज के सवालों के जवाब मैंने दे दिए, कल नए सवालों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।